नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परम गिल ऑफिशियल में। आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो जुड़े रहें लास्ट तक मेरे साथ। और हमारे साथ आज हैं अमन, इन्हें तो आप जानते ही हैं, पहले और दूसरे दोनों व्लॉग्स में ये हैं मेरे साथ। पर आज कुछ नए लोग भी मेरे साथ हैं, उनसे मिलवाता हूँ आपको। ये हैं आर्यन, हमारे यहाँ के फेमस सेलिब्रिटी, मतलब इंस्टाग्राम पे इनकी रील्स काफी वायरल हो रही है आजकल। तो और हमारे साथ एक शख्स है, उनसे भी मिलवा देता हूँ, नवीन पटनायक। पटनायक नहीं, मतलब यादव है ये, वैसे ही नवीन पटनायक कहते हैं हम इन्हें। और आज का व्लॉग बहुत शानदार होने वाला, लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इसी के साथ करते हैं व्लॉग को चालू। तो आज के व्लॉग में कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई साहब, इनके संग आकर जे अब क्या बोलू। आज से पहले ऐसे झरने देखे हैं कहीं? भाई साहब मैंने ऐसे झरने बहुत देखे हैं, लेकिन आज आपके संग आया हूँ तो आज थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको हमारे साथ? इतना कर रहा लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि आज तक मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। अच्छा, पहली बार यहाँ जन्नत में आ गया। तो नवीन पटनायक को कैसा लग रहा है, मैं इनसे जानना चाहूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो नवीन आपने फोटो वोटो खींच ली है क्या यहाँ पे? वो कैमरे से। बढ़िया लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे की प्लानिंग क्या है हमारी? आगे की देखते हैं। अब आगे चले, चला जाए आर्यन भाई आगे। बिल्कुल चला जाए भाई साहब। और ये जिम मैन क्या कर रहे हैं भाई? ये हिंदी पंजाबी मिक्स कर देता है, अक्सर इसमें कंफ्यूजन में रहता है कि पंजाबी में बात करूं या हिंदी में बात करूं। आपके फोन का कैमरा बहुत बढ़िया है, गोरी गोरी फोटो। तो चलिए अब आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मारटांडा में गोमती उद्गम स्थल, जो कि यहाँ पे बहुत ही सुंदर बना हुआ है। पहले ऐसा होता था, थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई कम थी, पर जो हमारे नए डीएम साहब आए, उन्होंने यहाँ पर काफी कुछ बदल दिया है। यहाँ पे बहुत सारी सफाई फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। अब आइए, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया मंदिर बनाया गया है हमारे यहाँ का। चलिए आगे मैं आपको पूरे मंदिर का रिव्यू देता हूँ, पूरा मंदिर आपको दिखाता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। आइए यहाँ पर मत्था टेकिए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। Yeah.
तो आर्यन मुझे बताएं ये मंदिर कितना पुराना है। ये मंदिर कम से कम बना हुआ है 1984 से पहले बना हुआ है ये मंदिर। 84 आप कितनी बार आए हैं? हम यहाँ पे दूसरी बार आ चुके हैं। पहली बार हम एक साल पहले आए थे तब इतनी फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड नहीं की गई थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मंदिर बना दिए गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये सब फैसिलिटी किसके द्वारा प्रोवाइड करी गई है? ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है जनता के लिए। जनता के लिए किसके द्वारा प्रोवाइड करी गई है, मतलब किसने इतना सुधार करा यहाँ का? यहाँ का सुधार यहाँ बाबा जी को चलाना। बाबा जी से पूछिए। बाबा जी प्लीज कम हियर। बाबा जी यहाँ पर आए, प्लीज हमें बताएं यहाँ का इतना सुधार कैसे हो गया? अब पहले तो इतना साफ सफाई नहीं होती थी यहाँ पर। यहाँ बैठ जाइए, बैठ के हमें बताइए। पहले इतनी साफ सफाई नहीं होती थी, अब इतनी साफ सफाई है, तो किसकी वजह से है ये? ये तो समझदार व्यक्तियों की वजह से है। समझदार व्यक्ति मतलब? हाँ, कौन? जो सत्ता में भी है। अब कौन है तो नहीं बता, हम बाहर के रहने वाले हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम तो कानपुर रहते हैं। कानपुर से आए हैं जी। स्पेशल दर्शन करने आए हैं। अगर उद्गम पूछ रहे हो तो ये इसका क्या नाम, गौतम ऋषि के माध्यम से और इसका शुरुआती दौर। कितना पुराना है बाबा जी ये मंदिर? ये मंदिर तो बहुत पुराना होगा, आप सदियों पुराना है। तो, इसका कोई तो आप यहाँ आते रहते हैं? अच्छा, हाँ हम आते रहते हैं। कम से कम कितने टाइम से आप आए हैं यहाँ पर? 20 वर्ष हो गया। अच्छा, आपको अच्छा लगता है यहाँ? हमें यहाँ शांति मिलती है। शांति? आप कब से कब आए हुए हैं? आज आए हैं या फिर? अभी अभी आए हैं। वैसे तो हम 8 दिन हो गए आए यहाँ पर पूरनपुर। 8 दिन से आप पूरनपुर में? हाँ, रुद्राभिषेक और रामायण थे। अच्छा, तकिया में था तो उसी चक्कर में। तो यहाँ के जो विधायक वो बाबूराम पासवान जी, इनका भी सुधार रहा। और एक डीएम साहब है हमारे जो यहाँ के, उन्होंने काफी यहाँ पे बदलाव, उन्होंने भी किया है। काफी संस्था के लोग जुड़े हुए हैं जी जी जी। तो सभी लोग यहाँ योगदान बढ़िया देते हैं। योगदान बढ़िया है तभी यहाँ की साफ सफाई बढ़िया है। साफ सफाई बढ़िया है और हमारी पुलिस प्रशासन भी यहाँ रह करके सारी व्यवस्थाएं देखती है। ओके ओके, आपको अच्छा लगता है? हमें यहाँ अच्छा लगता है और माने ये सब आवागमन तो लगा ही रहता है सभी बच्चों का। अब काफी लोग आते हैं यहाँ पर पहले से? हाँ, पहले से, पहले भी आते रहे। धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस बढ़ता जा रहा है, हाँ, उसी हिसाब से होता रहता है। पहले इतने लोग नहीं आते थे, पहले ये डीएम साहब ने हमारे यहाँ साफ सफाई बढ़िया करा दी है तो लोग इतना काफी आते हैं। पहले वो नहीं था जी, जितना होना चाहिए। अभी एक मंदिर ही बन गया माता जी का जी। और ये इधर ये जो बनावट हुआ है जी, उसी हिसाब से गौशाला आगे खुला हुआ है। तो धीरे धीरे विस्तार होता जाता, वैसे मनुष्य बढ़ता जाता है। ये आठ का जो शुद्धिकरण हमारे जो है प्रमुख जी करवाए हैं, जिसे सभी लोग हैं पदाधिकारी सरकारी। धन्यवाद बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। घूमने आए थे और ये अंकल जी मिले हैं यहाँ पे, और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा है आज। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
यहाँ पे मारटांडा में मंदिर गोमती उद्गम स्थल, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा मंदिर। यार जुत्ती 200-200 रुपए की मिल रही है, अगर दिल्ली चल जाओ 200 किने दी वीडियो बना दी 2000 की मिलती है। नहीं ये 200 रुपए की जुत्ती है, 200 की जुत्ती है। अरे 200 रुपए जो थे मारी मारी घूमती है दिल्ली। यार वीडियो क्यों बनाऊं फिर, यार बेइज्जती क्यों होंडे, बेइज्जती नहीं। नवीन सच बताना भाई कितने की मिलती है? 200 रुपए। दिल्ली तू गया है ना? मैं मॉल से आया हूं। तू तो जाना रहना, तू दिल्ली जाना रहना, तो ये दस की जुत्ती के लिए 250 रुपए। 50 रुपए पड़ गए भाई तेरे, 50 रुपए यार भाई, 50 बढ़ गए ने। चलो हुण तुहानू असीं दिखाने आ गौशाला। रुक जाओ, इधर आके दिखाओ, ये टिश्यू के ऊपर पुल बना दिया लकड़ी का। ये खतरनाक तो है पर हम खतरों के खिलाड़ी भी है। हम खतरों के खिलाड़ी भी हैं। ऐसे खतरों से अक्सर हम खेलते रहते हैं। देखिए व्यू, देखिए कितना बढ़िया है यहाँ पे, व्यू देखिए कितना बढ़िया है। और ये कितना शानदार बनाया हुआ है यार इन्होंने, है ना? ये यहाँ पे क्या है, फोटो बहुत सेक्सी फोटो हो रही है। कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे आके? मुझे जी बहुत अच्छा फील हो रहा है, शायद आपको भी मेरे साथ आकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा। नहीं हमें तो फील अच्छा हो ही रहा है, मेरे साथ तो अक्सर लोगों को बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा चलो, जैसे ये अमन को मैं देख लो रोज घुमाता रहता हूँ तो इन्हें अच्छा फील होता है। यहाँ पर दिखाइए जरूर, जल्दी दिखाइए जल्दी, यहाँ पर है बाथरूम। ये बनाया गया है गोमती उद्गम स्थल पर बाथरूम, जिस किसी को यहाँ पर आके पेशाब जुसू या फिर आ जाए अचानक में वो यहाँ कर सकता है। कुछ नहीं, गेट के सामने अपोजिट में गौशाला बनी है, उसके पीछे वॉशरूम बने। आप यहाँ बाथरूम करने के लिए यहाँ पे विजिट करिए, बाथरूम करने के लिए यहाँ पर विजिट करिए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिए इस पेड़ को, कुदरत का करिश्मा देखिए कि आप ये घर के अंदर से पेड़ उग के आया। देखो देखो छत फाड़ के निकल गया है ऊपर को, पर देखिए पूरी छत नहीं फटी है, उतनी जगह देख लो फटी है जितनी में से ये निकला है। कुदरत का कमाल है, कुदरत का कमाल है, कुदरत का कमाल है ये। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये है महादेव का कमाल, महादेव का कमाल है। यस, तो अमन आपका आपकी क्या राय है इस पेड़ के बारे में? जैसे देखिए आप, आपने देखा होगा कि यहाँ से ये फाड़ के ये जो जमीन से निकल के आया है ऊपर को, ये फाड़ता हुआ ऊपर निकल गया है। तो है। आप ये बताएं कि आपकी क्या राय है इसके बारे में? तो केड़े मुंडे की गल करने आ रहे हैं? यार मुंडे का नाम नहीं पता, गंजा मुंडा आएगा, पता की करता ही। हाँ ऐसा करके उन्हें सेल्फी स्टिक लेनी। बड़ी तेज तेज घूमता सी, पर तू हौली घूमन वा। इन पूरा बतावन कि घूमता सी, करके। चलो फाइनली यहाँ से हम निकलते हैं। अब पुल बड़ा खतरनाक है, सारे जाने एकदम इधर ना जाओ, और सारे दी बाजी लग दी होए। ये खतरनाक पुल है और ये सब खतरों के खिलाड़ी हैं। यूट्यूब की जगह अखबार में आया है। यूट्यूब की जगह आना पड़े हमें अखबार में। बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? नहीं आपने कहा ट्रैक्टर। अरे और क्या, हमारे वो कंधार अंधार क्या करें, साठा नहीं लगता, कंधार भी सबको लग गया। अगले सीजन आएंगे, अब नेक्स्ट सीजन पे लेके जाएंगे आपसे ट्रैक्टर और ट्राली, जरूर लेके आएंगे, जरूर ना, जरूर। चलिए अब निकलते हैं, निकले फिर आ रहे हैं। चलो चलो निकलते हैं, चलो मिलते हैं आगे। भाई यार, भाई तुम इनकी फोटो खींच के सारी शहर की लड़कियां पागल कर दोगे हैं? क्यों? अरे क्या बात है भैया, क्या कह रहे हो, लड़कियां सारी पागल हैं तुम्हारे पीछे यार? वैसे किसी को मत, सारे आने पीछे, वैसे किसी को ऐसे पागल मत कहो यार, बुरा मान जाएंगी लड़कियां। अरे हाफ माइंड है तुम्हारे पीछे, पागल है यार तुम। वैसे तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार, फोटो भी अच्छी आ रही होगी। फिलहाल हमें आपका इंस्टाग्राम आईडी दे देना, ठीक है? फॉलो कर लेंगे यार, फॉलो कर लेंगे। ये आर्यन, इसको देखना, ये वायरल है इंस्टाग्राम पे। नहीं यार वायरल नहीं, इसकी रील वायरल है, मैं दिखा सकता हूँ आपको यार। क्या कह रहे थे?
भैया का शरीर बहुत मस्त है। आप अच्छा इनकी इनकी बॉडी देखना चाहते हो? आप बताएं सारे जाने, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। भैया के फैन हो आप? आप इनकी बॉडी देखना चाहते हो? टी शर्ट उतरवाए, चल भाई उतार टी शर्ट। अरे यार भाई टी शर्ट उतार दे अब यार, इतना आप इतने लोग कह रहे हैं, एक बार उतार दे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार उतार दे, थोड़ी सी ताँ कर दे, चल ऊपर कर दे टी शर्ट, चल थोड़ी जी ऊपर कर दे। अरे मारी जी कर दो फिर यार। भाई यार दिखा नहीं रहा आप, तुम्हारा तुम फैन हो मनाओ यार इसे, फैन हो यार, अब तुम ही लोग मना सकते हो। हमने तो देखा मगर इस बंदे ने नहीं देखा, इस बंदे ने नहीं देखा। आप इंस्टाग्राम पे देख लेना, हमने देखा है की इंस्टाग्राम आईडी दस देना, आई अमन ऑफिशियल, ठीक है आप इंस्टाग्राम पे देख लेना। आई इसको इधर को घुमाना, फिर इस पे वकील भी लिखा, एडवोकेट लिखा और गिल लिखा है पंजाबी में। तो मेरी बुलेट भी वायरल हो जाएगी ना तुम्हारे साथ यार, तुम फेमस बंदे यार, फेमस हो, तुम फेमस हो पूरनपुर में, और मेरा बुलेट भी फेमस हो जाएगा यार तुम्हारे चक्कर में। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ? हाँ ये इसका दोस्त है, तेरा दोस्त है वो? हाँ चलिए अब हम आपको दिखाते हैं खरगोश, यहाँ गोमती उद्गम स्थल। ठीक है भाई, बाय बाय, लव यू टू, लव यू टू। पहला अंदर जाना ही, ओ देख अमन खरगोश देख ला। चलो आर्यन फिर चलिया जाए हुन। यस ब्रो ऑफ कोर्स लेट्स गो। ते किधर चला गया? 4.5 बैंड, 4.5 बैंड लेके जाना किथे? नेपाल, नेपाल पाकिस्तान, ओ यार अफगानिस्तान जाना, नहीं होते साला राई नहीं को गया। अफगानिस्तान जाके भी की करेगा यार तू? ते फिर आपा इदा करदे हां, तालिबानिया ना मिलना, तालिबानिया ना मिल जाना। अरे देख आ देख मेरी बाइक ते बनान दे ने, फोटो शूट हो रहा है, कपड़े देख ना फोटो शूट करन दे ने मेरे, मेरी बुलेट ते आ देख। शरीर बहुत है यार, शरीर तो बहुत है भाई का, एप्स दिख रहे तेरे यार। अरे एप्स दिखा ऐसे करके, तू कितने कपड़े लेके आया सच बताना भाई? हाँ आठ शर्ट लेके, आठ शर्ट फोटो खींचने आए थे सिर्फ? आओ सारी कैंट कैंट। अच्छा कत्थे आ गए, कत्थे आ गए, कत्थे आ गए, जिथे साडा उन दा 1% भी हक नहीं। चल घुमाना पड़ेगा ना एक बार। अरे भोपड़ी कैसा लग रहा है घुमाए से? अरे तेन आ चंगा लगता झूला? अरे मैं बचपन च बहुत खादा यार, मैं खादा नहीं मतलब बचपन च आ झूले तो बहुत झूले होना तू खादे तो तू छित्तर है बचपन च। मेरी पुरानी यादा इतना जुड़िया वे ला हूं बचपन। तो यहाँ पर हमारे नवीन भैया कैमरे का कैप नहीं लगा पा रहे हैं, यहाँ पर सारे जाने फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्योंकि ये ब्रिज बनाया है ना यहाँ पे गोमती उद्गम स्थल पे, तो इस पे सारे लोग आके यहाँ पे बहुत फोटोज वगैरह। तो ये है सनी लियोनी, हेलो गाइस, सनी लियोनी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? फोटो शूट हो गया तेरा? हाँ फोटो शूट हो गया यहाँ पे, परम भाई कैमरा लाए थे और हमारा फोटो। अब हम वहाँ पे जाएंगे, वो देखिए वो नाव वो चलाएंगे, चप्पू चलाएंगे वहाँ पे जाके। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि हमने पूरा आपको गोमती उद्गम स्थल दिखा दिया है, अब हम जाने वाले हैं, पहले कुछ खाएंगे फिर हम निकल रहे हैं घर के लिए। पिज्जा क्रंच चल रहा है वो पूरनपुर पैंदा नहीं तो इतने हों चल दे। अच्छा आर्यन आप केड़िया गड्डिया रखिया? तू काले रंग दी पैन बड़ी सी, मैं कालियां गड्डियां रखियां ने। ते एक और ही तेरे प्लेटिना ते सीधा ही रूड़ी ते चढ़ गया नहीं साडा पलटीना। तेरा पलटीना वैसे भी रूड़ी ते चढ़ता ही रहंदा वा, आप बुलट भी चढ़ जांदा वैसे, आप बुलट ते चढ़ जांदा वा, चढ़ जांदा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? तेरा तो रूड़ी ते ही चढ़न वाला वा साले वाकई। तो अब हम लोग वापसी कर रहे हैं अपने घर के लिए, पहले हम कुछ खाएंगे उसके बाद हम घर जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी क्योंकि यहाँ भाई के हमारे फैन भी मिल गए थे, भाई ने फिर भी बॉडी नहीं दिखाई, पर आगे जब भी वो हमारे इनके भाई के फैन मिलेंगे
अगले ब्लॉग में हम जरूर बॉडी दिखाएंगे भाई की। इस टाइम गेनिंग पे है ना, इस टाइम भाई गेनिंग पे है इसलिए बॉडी नहीं दिखाई, पूरा गेन होने हो जाएगा, एब्स आ जाएंगे तो आपको फिर से दिखाएंगे, क्योंकि ये एक पीरियड होता है जिसमें हम लोग बॉडी शो नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने, सबसे पहले कुछ खाते हैं उसके बाद हम लोग निकलते हैं घर के लिए। तो आर्यन चले फिर, चलिए। ਆਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਖਾਣਾ? ਆਪਾਂ ਰੋਇਲ ਟੇਸਟ, ਰੋਇਲ ਟੇਸਟ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਸੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ। ਫੇਮਸ ਮਾਧੋ ਟਾਂਡਾ ਚ ਹੈ ਨਾ? ਮਾਧੋ ਟਾਂਡਾ ਮੇ ਫੇਮਸ ਹੈ ਯੇ ਰੋਇਲ ਟੇਸਟ। ਤੋ ਆਏ ਚਲੇ ਅੰਦਰ, ਚਲੀਏ। ਚਲੋ ਬਾਈ, अब हम लोगों ने खा पी लिया है, अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो आर्यन कितना था लगा खा पी के? बर्गर तो स्वाद ही वैसे, हाँ क्योंकि हाँ चीज ज्यादा है, लेकिन बहुत स्वाद ही बर्गर, बहुत बंदे ने बहुत स्वाद बर्गर बढ़िया बना था। तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, चलिए चलते हैं घर। तो गाइज फाइनली अब हम घर आ गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करो। थैंक यू। दबा के महाकाल की कसम, दबा के।